किस विषय देना चाहेंगे 14 मई? मेरी शुभकामनाएं है जनादेश के लिए। जिस तरीके का दौर है आजकल का, उस दौर में इस टाइप के चैनल्स होना ज़रूरी है। लोकल लेवल पे कंट्रोल्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं हम लोग, और उस पर उतना पॉलिटिकल प्रेशर जो है सेंट्रल और बाकी की तरफ से आने वाला ओवरऑल गवर्नमेंट का, तो वो उतना सा मुझे लगता है कि उतना प्रेशराइज नहीं होता है। सो लोकल लोगों के पास में इनकी पहुंच जो है बहुत ज़्यादा है, केबल के थ्रू भी इनका बहुत अच्छा सेटअप है, तो मुझे लगता है कि इन्होंने इसी टाइप से ये काम शुरू रखना चाहिए। मुझे पता है इसमें बहुत सारी फाइनेंशियल दिक्कतें भी हैं, तो उसमें वो चैलेंजेस रहेंगे, हमेशा रहेंगे, ये चैलेंजेस तो कभी कम नहीं होते, तो इसी चैलेंजेस को लेके अगर काम करेंगे तो मुझे लगता है जनादेश और भी बढ़ जाएगा। छोटे छोटे जो आज यूट्यूब चैनल की तरफ से जनादेश चल रही है, ये आप लोगों का भी चैनल है, देखिए एक छोटा सा कुछ भी समस्या का मुद्दा हो पब्लिक, आम पब्लिक का, जो बड़े पत्रकार या बड़े चैनल वाले नहीं दिखाते, ये माध्यम है, ये छोटे चैनल का माध्यम है, वो लोगों का आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुँचाना या CM तक पहुँचाना, लोगों में जन जागृति करना, ये जो भी छोटे छोटे चैनल्स है उस माध्यम से हो रहा है। कोई कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े पत्रकार है अरे वो निगलेक्ट कर देते, मगर वही छोटी बात जब जनादेश के माध्यम से या आपके कोई भी यूट्यूब के माध्यम से जब लोगों के सामने आती है तो भाई बहुत बड़ा माहौल खड़ा हो जाता है कि जो मराठी में प्रत्येक शब्दाला वाचा फोड़ना ये पत्रकार करता, वैसे ये काम है जो जो जनादेश वाहिनी की या यूट्यूब चैनल की माध्यम से हो रहा है। एक आज देखिए सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में सब सोशल मीडिया में एक्टिव होते, मगर ये इनके जो हर पेपर के वाचक होते हैं, जो पढ़ने वाले इंटरेस्टेड होते हैं, बाद में ये यूट्यूब चैनल के लोग देखने वाले अरे बाबा ये चैनल में ये न्यूज़ है, वो न्यूज़ अलग अलग होती है। इसके लिए आज जनादेश जैसे ये चैनल्स है, आपके चैनल्स है, ये लोगों का माध्यम का जो लोगों का रियलिटी आवाज़ ये उठाने का काम अगर करेगी। सुरेश जी पाटिल के लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे सुरेश जी पाटिल जी तो 14 साल झेल रहे हैं, आज देखिए हमारा हर प्रोग्राम में सुरेश जी पाटिल जी आगे रहते हैं कि हम कुछ भी छोटा प्रोग्राम हो, भले 10 आदमी का हो या छोटा बड़ा इवेंट हो छोटा, और वो कवर करते, वो कवर करके लोगों तक पहुँचाते कि भाई हमने तो हमारे तो बहुत प्रोग्राम होते, हमारे कॉम्पिटिशन हो या रोजगार मेला हो, कामगारों की समस्या हो, कुछ ना कुछ होगा तो भी वो पहले एक चैनल पर दिखा तो कम से कम 10,000 लोगों को दिखता है। इसके लिए हम लोग उनके आगे के जो भी 15 साल में पदार्पण होने वाला है, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं।